जनता कर्फ्यू के दौरान हम मौजूद हैं पटना के गांधी घाट पर, जहां से गंगा गुजरती है। गंगा आज भी बह रही है, कल भी बहती थी, लेकिन आज का नज़ारा देखिए। इस घाट पर लोगों को नहाते हुए आप देख सकते हैं हर सुबह, लेकिन आज ये आपको नज़ारा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है। इस घाट पर गंगा पहले की तरह ही बह रही है, लेकिन पटना के लोगों में कोरोना का खौफ जो तैर रहा है, जो भय पैदा कर रहा है, उसको देखते हुए ये जनता कर्फ्यू जो है ये काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकता है, ख़ासतौर पर इसके संक्रमण को रोकने के लिए जो 14 घंटे का जो कर्फ्यू लगाया गया है, और इसकी वजह से जो सोशल डिस्टेंस यानी सामाजिक दूरी बनाई गई है, इससे इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है, और इसका एकमात्र उपाय भी यही है। जनता भी पूरी तरह से साथ दे रही है, और हम भी आज तक भी लगातार ये अपील कर रहा है कि आप अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। हालांकि हम आपको नज़ारा यहाँ का दिखाना चाहते हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो होती है, जैसे कर्मकांड हुआ, उसकी कर्मकांड करने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। कुछ लोग आए हुए हैं क्योंकि ये करना ज़रूरी होता है। बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि सारे मंदिर बंद हैं और लोग बाग अपने घरों में हैं और सोशल डिस्टेंस बनाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं, का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कोरोना का ये जो वायरस है ये फैले नहीं। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना।